पढ़ाना और उसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अंत में मैं स्टेक होल्डर में गवर्नमेंट को रखता हूँ। गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं और पॉलिसीज का जो एप्लीकेशन है वो हम लोग करते हैं, बट गवर्नमेंट की पॉलिसीज कितनी भी बना लें गवर्नमेंट, अगर हमारे अंदर उसको पालन करने का भाव नहीं है तो वह संभव नहीं है। तो ये कुल मिला के चार स्टेक होल्डर हैं जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। तुम्हारा ना प्रॉब्लम हो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अगली बात कर लें हम लोग यूनिसेफ के, जो यूनिसेफ का क्या अर्थ है इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी पे। तो जैसा कि हमें पता है कि आप सभी को स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी सर दिख रही है। ओके 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 फाइन। तो जब हम बात करते हैं यूनिसेफ के, तो यूनिसेफ ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक मिनट सर पीपीटी दिख रही है क्या किसी? बढ़िया सर। हेलो सर कंटिन्यू करिए। कोई आगे स्क्रीन शेयर ना करे। थैंक यू मच। जब मैं यूनिसेफ की बात कर रहा हूँ तो यूनिसेफ ने जो राइट टू एजुकेशन दिया हम लोगों को, शिक्षा का अधिकार दिया, प्रभावी भी है लागू भी है। तो शिक्षा का अधिकार जो है वह तब तक सार्थक नहीं है जब तक हमारे विद्यालयों में, हमारे वातावरण समाज में इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो ना दिखाई जाए, एसेसिबिलिटी ना दिखाई जाए। जब तक हर विद्यार्थी को, हर छात्र को, हर शिक्षार्थी को उसके सीट किए जाए, उसके लिए सीखने के लिए उसको एनवायरमेंट ना दिया जाए, तो जो सीखने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, वो अपने आप में बेमानी साबित होता है। तो शिक्षा का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमें समावेशी शिक्षा को प्रयोग करना होगा। साथ ही साथ यह भी इम्पोर्टेंट है कि जब बात करते हैं तो यह केवल छात्रों के लिए या शिक्षार्थियों के लिए ही लागू नहीं है, बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे समाज, हमारे जो शैक्षिक माहौल है, जो हमारा शैक्षिक, उसके लिए भी माहौल है जहाँ हम उन शिक्षकों को भी प्रतिभाग करने का मौका देते हैं, जहाँ जो की विशेष क्षमता से युक्त होते हैं, जो कि हम लोग देखते भी है कि हमारे सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में भी ऐसा होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग सभी लोग समान अवसर, समान रूप से एक शिक्षक के जो देश है उनकी प्राप्ति के लिए काम करते हैं। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एवरी चाइल्ड हैज राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी। जैसे मैंने बोला कि कोई दिव्यांग बच्चा है या फिर विशेष क्षमता से युक्त बच्चा है, उसको इसी ग्राउंड में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता कि वह दिव्यांग है, वह सामान्य बच्चों से अलग है। अवसर प्रदान करना ये हम सभी की जिम्मेदारी है, या विद्यालय की जिम्मेदारी है, या सरकार की जिम्मेदारी है, और या एक व्यक्तिगत तौर पे भी जिम्मेदारी है। अगली बात करें फैमिली की, बात जब मैंने बोली कि फैमिली की इंपॉर्टेंस बहुत है, are cared for and supported within the families and substitute families environment. जब हम फैमिली की बात करते हैं तो जो परिवार है, अगर परिवार में ही उन बच्चों को, उन शिक्षार्थियों को, उन छात्र छात्राओं को सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो उनके अंदर एक गिल्ट फीलिंग हो जाएगी, एक द्वेष, एक गिल्ट की भावना आ जाएगी, एक डिप्रेशन हो सकता है, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो परिवार का सपोर्ट है, किसी भी ऐसे बच्चे जो कि दिव्यांग जन है, ऐसे बच्चे जो विशेष क्षमताओं से युक्त हैं, सहयोग मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात करें कि चिल्ड्रंस को या बच्चों को समाज में या फिर स्कूल में, और सभी बच्चों का एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, प्रजातांत्रिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो भी विद्यालय में कार्य हो रहे हैं, कोई भी कुछ भी नीतियां सरकार की है कि वो इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पॉलिसीज बनाए और उन पर काम करें। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर नई युग निर्माण किया और उसके के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नीतियां रखी और उनको डेवलप करने के लिए प्रपोजल रखे। ठीक है सर, अरविंद कुमार सर।
अब बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन एंड NEP 2020 की, कि जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति हमारे यहाँ है आई है उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन क्या क्या उसमें रखे गए। पहली बात तो ये है कि जो छठवां एक तरीके से पॉइंट है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के समर्पित है और वो स्टेटमेंट है इक्विटेबल एंड एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल। और ऑल की बात करता हूँ, ऑल इज ब्रॉड कॉन्सेप्ट। सर अपना स्पीकर ऑफ कर ले, प्लीज स्पीकर थोड़ा बंद कर ले तो आसान रहेगा बात करना। हेलो अरविंद सर अपना स्पीकर ऑफ कर ले। थैंक यू। थैंक यू। पूरी आवाज आ रही है, आप बोले सर। हाँ जी, थैंक यू। तो लर्निंग ऑल के कॉन्सेप्ट जब हम बात करते हैं तो इट इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, बिकॉज सबको समान अवसर मिल रहे हैं, सबको समान अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सबको समान संसाधन छूट मिल रही है, तो लर्निंग फॉर ऑल अपने आप में सार्थक हो जाता है। फॉर ऑल में पहला इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, जैसे मैं बात करते चला, सभी के लिए, चाहे वो जिस ग्रुप से हो, चाहे वो फिजिकल चैलेंजेस या फिर दिव्यांग हो, जन हो या फिर किसी भी समूह से आते हो, स्पेशली सोशियो इकोनॉमिकल ग्रुप से, क्योंकि बहुत सारे स्टडीज में पाया गया है कि जो जो लोग सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो स्वतंत्रता है, जो उनके जीने के एक्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं और वो समाज उनको हमारी शिक्षा व्यवस्था में पड़ता है। जैसे पाया गया है कि स्कूल क्वालिटी, जो स्कूल्स पॉवर्टी, सोशल मोर्स एंड कस्टम्स एंड लैंग्वेज हैड अ डिटरमाइंड इफेक्ट ऑन रेट्स ऑफ एनरोलमेंट। एनरोलमेंट होते हैं उनका, उन पर जो प्रभाव है और जो ड्रॉप में जो प्रभाव है वो इस प्रकार के भेदभाव से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो अबाउट दैट, अबाउट डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर एंड इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज ऑल्सो, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छे उपाय बताए हैं, जो कि बताएंगे या वन वन टीचर्स हो, ओपनिंग स्कूल।